देखिए, मणिशंकर अय्यर देश को डराना चाहते हैं, भारत को डराना चाहते हैं। अब भारत दुनिया में किसी से नहीं डरेगा, तो वो ये बात राहुल जी को समझाएं। ये भारत अब पाकिस्तान की बात छोड़ो, पाकिस्तान के बाप से नहीं डरता। कांग्रेस के किसी भी नेता पे देश यकीन ही नहीं करता। देखिए, मणिशंकर अय्यर देश को डराना चाहते हैं, भारत को डराना चाहते हैं, उस भारत को डराना चाहते हैं जिसका नेतृत्व एक निडर और निर्भीक नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। अब भारत दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। मणिशंकर अय्यर जी को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो ये बात राहुल जी को समझाएं। हो सकता है उन पर कुछ असर हो जाए, लेकिन जिस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये भारत अब पाकिस्तान की बात छोड़ो, पाकिस्तान के बाप से नहीं डरता। सर, कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है रतलाम से कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो हर महिला को 1 लाख रुपये दिया जाएगा, और जिसकी 2 बीवी हैं उनको 2 लाख रुपये। कांग्रेस के किसी भी नेता पे देश यकीन ही नहीं करता। ये अगर ये भी कह दें कि हर महिला को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, तो अभी देश की महिलाएं अब यकीन करने को तैयार नहीं है। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कितने लाख रुपया महिलाओं को दिया, कितना महिलाओं का उत्थान किया। अभी प्रियंका चतुर्वेदी और अर्चना गौतम, राधिका खेड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, कह के पार्टी छोड़ी कि भाई महिलाओं का सम्मान नहीं होता। महिलाओं का सम्मान अगर इस देश में हुआ है सही मायनों में, तो वो मोदी सरकार में हुआ है। सर, उद्धव ठाकुर की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने विवादित बयान दिया है मेरा बाप भगोड़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? दोनों गुटों में काफी घमासान चल रहा है। देखिए, राजनीति में एक मर्यादा तो होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा, मान सम्मान, क्योंकि ये फिल्मी पर्दा नहीं है, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है कि दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने बाजू दिखाते हैं कि मेरे हाथ पे लिख दिया तेरा बाप चोर है। ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं डायलॉग, राजनीति में इस तरह की भाषा की कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है और कोई गुंजाइश है। सभी नेताओं को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। पहले के चुनाव में कभी भी एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कि व्यक्ति विशेष पर भी टिप्पणी की जा रही है। विपक्ष पागल हो गया है, नरेंद्र मोदी को गाली देना चाहता है, नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करना चाहता है, नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है, नरेंद्र मोदी को मिटाना चाहता है। उनकी चाहत मुझे नहीं लगता कभी पूरी होगी। विपक्ष नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है कि बस हर मर्यादा तार तार हो रही है।